नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अयोध्या मामले पर रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल। पीस पार्टी ने 9 नवंबर के फैसले पर की दोबारा विचार करने की मांग। नागरिकता कानून के समर्थन में अमित शाह की लखनऊ में रैली। बोले, विपक्ष फैला रहा भ्रम, हम विरोध से डरने वाले नहीं, किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा कानून। लखनऊ में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन। शायर मुनव्वर राणा की दोनों बेटियों सहित 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज। धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। मुनव्वर राणा बोले, मुझ पर भी दर्ज करो केस, मैंने बागी बेटियां पैदा की। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ने विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का किया उद्घाटन। व्यापार, आवाजाही और यातायात के लिए होगी सुविधा। मोदी बोले, भारत ने हमेशा नेपाल के विकास में निभाई भूमिका। और आईएमएफ ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भारी कटौती की, पूरी दुनिया पर होगा असर। विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान आईएमएफ ने जारी किया अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली की। शाह ने सीएए का विरोध कर रहे विपक्ष की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी बंधी होने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि जिसको विरोध करना है वो विरोध करे, लेकिन सीएए वापस नहीं होने वाला। शाह ने सीएए के समर्थन में आयोजित जागरूकता रैली में कहा कि सीएए नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, मगर कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों पर वोट बैंक की पट्टी बंधी हुई है। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ लखनऊ में घंटाघर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राणा की दो बेटियों सहित लगभग 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बेटियों पर एफआईआर होने के बाद मुनव्वर राणा मोदी सरकार पर भड़के और कहा कि मुझ पर भी मुकदमा दर्ज करो, ऐसी बागी बेटियां मैंने पैदा की हैं। मुनव्वर राणा ने कहा, ये लड़कियां महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं उनके पास ना कागज है, ना घर है, ना छत है। बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संयुक्त रूप से विराटनगर में दूसरे चेकपोस्ट का उद्घाटन किया। ये चेकपोस्ट व्यापार और लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत की सहायता से बनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पड़ोस के सभी मित्र देशों के साथ यातायात को सरल और आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ व्यापार, संस्कृति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में संपर्क को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, भारत और नेपाल सीमा पार कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे सड़क, रेल और ट्रांसमिशन लाइनों पर काम कर रहे हैं। हमारे देशों के बीच प्रमुख सीमा बिंदुओं पर एकीकृत चेक पोस्ट आपसी व्यापार और गतिविधियों को बहुत सुविधाजनक बनाएगा। और अब खबर खेल जगत से। न्यूजीलैंड दौरे से ठीक पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे में चोटिल हो गए थे। धवन ऑकलैंड के लिए रवाना होने वाली टीम का हिस्सा नहीं बने। हालांकि बोर्ड ने अभी तक धवन के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। ऑस्ट्रेलियन पारी के 5वें ओवर में धवन ने डाइव लगाकर फिंच के शॉट को रोकने की कोशिश की थी। इसी दौरान धवन का कंधा चोटिल हो गया और वो मैदान से बाहर चले गए। और अब बात मनोरंजन जगत की। अजय देवगन स्टारर फिल्म तानाजी लगातार बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाई जा रही है और रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। 100 करोड़ 150 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बाद अब फिल्म 175 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 11 दिन के अंदर ही 175 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। और बिग न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।